king goes to Zenobia. What? Zenobia, please step forward. You are Mrs. Glowing Skin. And our expert, our skincare expert from Beauty Skin Studio, is going to give you your subtitle. बहुत जाने की जल्दी है ना दोस्तों, अब तो खुशी की बात है यार, ग्लोइंग स्किन का खिताब मिल गया। थैंक यू। क्या बात, कैसा फील कर रही हो? थैंक यू ऑल जजेस। और इनका भी शुक्रिया। यार ये कैसे, मतलब किस तरह से, मतलब पुष्टि नहीं चलता है इसकी? Yes. या तुमने जो है खासी मेहनत करी अपने आप ग्रूम करने की? पुष्टि नहीं चलता है। ये मेरा इंटरनेशनल पेजेंट था, फर्स्ट इंटरनेशनल पेजेंट था, और मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला, और इस तरीके से मैं मेरा प्रोग्रेस करना चाहूँगी, आगे भी कंटिन्यू करना चाहूँगी। ज़िनोबिया मेमन, और मैं बेसिकली अहमदाबाद से हूँ, बट लाइक मैं सिंस फ्यू ईयर्स मैं यहाँ औरंगाबाद में हूँ सेटल, और मैंने जो मेरा आपको रिप्रेजेंट किया है वो भी मैंने औरंगाबाद से किया है। मैं चाहती हूँ औरंगाबाद के साथ मेरा नाम जोड़कर आगे बढ़ना चाहती हूँ। हाँ, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जैसे मुझे वहाँ पे जो टाइटल मिला है, क्राउन मिला है वहाँ पे, और मुझे ये टाइटल मिला है मिसेस ग्लोइंग स्किन का, जो मिसेस अप्रतिम गोयल ने मुझे ये पहनाया था, तो काफ़ी अच्छा रहा मुझे एक्सपीरियंस, और मैंने मेहनत की तो इस बार मुझे क्राउन भी देखो मिल चुका है, तो मैं इसी तरह मेरी मेहनत करती रहूँगी। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ पे मेरा। वहाँ पे डिफरेंट राउंड्स थे, जैसा कि स्विमवेयर राउंड था, फिर वहाँ पर इंटरव्यू राउंड थे, फोटोशूट्स हुआ हमारा डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे, बुर्ज खलीफा पे हुआ, काफ़ी डिफरेंट प्लेसेस पर हमारे फ़ोटोशूट्स हुए, बीचेस पे हुए, और वहाँ पे जो मिसेस इंडिया क्वीन की जो डायरेक्टर है श्वेता रॉय, वो थी वहाँ पर, और फिर डिफरेंट जो दूसरे जजेस भी थे, जैसे मिस्टर प्रीतम, पारुल चौधरी, और फिर वहाँ पर मानसी थी, तो ये सब जजेस के तौर पे वहाँ थे, और जो हमारा जो शो डायरेक्टर जिसने हमको कोरियोग्राफी कराई वो मिस्टर खिजार हुसैन थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा हमको कोरियोग्राफी करवाया, कैसे वॉक करना है आपको, कैसे प्रेजेंट करना है, वो सब हम लोगों को उन्होंने उस तरीके से गाइड किया था। राउंड अबाउट हमारे 8 डेज का टूर था, और जो उसका ग्रैंड फिनाले था वो हमारा सहारा स्टार मुंबई में हुआ, जिसमें शिल्पा शेट्टी भी आई थी। मैं इतना आसान तो इसको नहीं बोलूँगी, क्योंकि हम लोग सुबह के 4-4 बजे तक प्रैक्टिस करते थे रैंप वॉक की, कैसे वॉक करना है वो सब, तो काफ़ी कुछ हमने मेहनत की है इस पर, तब जाके हमारा ग्रैंड फिनाले फिर हुआ, और हमारा काफ़ी अच्छा शो हिट रहा। मुझे हर एक से कुछ ना कुछ सीखने को मिला। मिस्टर चिराग बैम्बूट थे, उन्होंने मुझे कुछ चीज़ों के गाइडलाइंस दी, वो भी वहाँ पे जज के तौर पे थे। मिस्टर चिराग जो मेकअप आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा उनका मेकअप हुआ था ग्रैंड फिनाले को, उनके स्टूडियो में से हमको मेकअप जो सीख के उन्होंने वहाँ पे हम लोगों को करवाए थे, मेकअप आर्टिस्ट उनके मिस्टर चिराग बैम्बूट के स्टूडियो के थे। उस टाइम पर काफ़ी जैसे सेलिब्रिटीज़ में शिल्पा शेट्टी मौजूद थी, और हमारे शो के डायरेक्टर्स और वो सब जजेस वो सब मौजूद थे। हमारे जो इंस्ट्रक्टर जो हमको आए थे मिस्टर वरुण कटियाल, उन्होंने जो डाइटिशियन है बहुत बड़े दिल्ली में, तो वो आए थे, उन्होंने हमको काफ़ी टिप्स दी डाइट के ऊपर से, तो वो डाइट बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, ना कि सिर्फ एक मॉडल को बल्कि अपने लाइफ में हर एक इंसान को प्रॉपर डाइट लेना चाहिए, जिससे आप हेल्दी रह सको। ये जो है फील्ड, इसमें आप मैरिड अनमैरिड, जैसा मैंने जिसमें पार्टिसिपेट किया था ये मिसेज इंडिया क्वींस था,
एसआर क्वींस, तो ये मैरिड की स्पेशली मैरिड वुमेन्स के लिए था। तो आप इसमें ऐसा मैरिड लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्पेशली मैरिड लोगों के लिए था और मैंने पार्टिसिपेट किया। देयर इज़ नो एज लिमिट, आप एज, हाइट, वेट, आप मिसेज हो या मिस हो, वो सबका कोई इसमें लेना देना। वहाँ पे हमारे को जो दुबई में हमारा, हम लोग डेजर्ट सफारी गए थे, तो वहाँ पे हमारे को आउटफिट दिया गया था। सना खान जो है हमारी डिजाइनर, उसने हम लोगों को आउटफिट दिया था, कफ्तान दिया था पहनने के लिए, जो दुबई का वो स्पेशलिटी है कफ्तान, तो वो हमने पहना था। और ग्रैंड फिनाले के लिए भी हमको आउटफिट्स दिए गए थे। मिस्टर यश जो है वो डिजाइनर, वो उसने मुझे आउटफिट दिया था। और ये जो अभी मैं जो पहन रही हूँ, ये पुष्पांजलि कॉटर का है, पुष्पांजलि ने ये आउटफिट डिजाइन किया है।